वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति तो अभी भी बनी हुई है। राजघाट एरिया में जलभराव का पानी निकालने का काम जारी है। वहीं मौजूदा अधिकारी ने बताया कि अभी 10 दिन का समय इसमें लग सकता है भरे हुए पानी को निकालने में। रिपोर्ट देखिए। जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं यमुना की वजह से कई इलाकों में जलभराव हुआ था, जहां पर अभी भी पानी की निकासी का काम लगातार किया जा रहा है। इस समय हम राजघाट पे मौजूद है और यहां पर हम आपको दिखाएं तो देखिए, सबसे पहले ये दिखाएं कि देखिए यहां पे पानी भरा हुआ है और उस दिन से ही भरा हुआ है जब यमुना का जलस्तर जब बढ़ा था, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भरा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भी जल भराव हो गया था और जिसके बाद से ही लगातार अब कोशिश की जा रही है कि तमाम जो एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा इनका यहाँ पर जो पानी लगा हुआ है इसको निकाला जाए। यमुना का जो जलस्तर है वो अभी भी 206 मीटर के ऊपर बना हुआ है, यानी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। और यहाँ का आप जलस्तर देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें जाता है तो उसके कहीं ना कहीं डूबने का भी खतरा बना रहता है, जिसको लेकर लगातार जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं इनसे कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है पानी इसका सीवर में जाए और सीवर के द्वारा जो है जहाँ पे इसका जो सिस्टम बना होगा वहाँ पर जाएगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ के जो पानी है वो कम हो पाएगा और जो पर्यटक हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनके लिए भी फिलहाल ये बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। और यहाँ पे कई सारे लोग जो है काम करते हुए भी नज़र आएंगे और कोशिश यही की जा रही है लगातार कि यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी यहाँ का पानी का निकासी किया जाए। और यहाँ पर देखिए जो कर्मचारी है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर उनका बिस्तर भी लगा हुआ है, यानी कि वो लोग जो है रात दिन जो है यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये देखिए ये बिस्तर लगा हुआ है, ये 24 घंटे यहाँ पर पानी की निकासी का जो काम है इस पार्क से किया जा रहा है। और हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो यहाँ पर देख रेख भी कर रहे हैं और जो पूरा यहाँ पर काम चल रहा है उसका निर्देशक है। सर किस प्रकार से, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवरतन सिंह है और मैं यहाँ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से ड्यूटी पर रहता हूँ, सब स्टेशन मास्टर हूँ। इस समय सब स्टेशन सारे डूबे हुए हैं, जिस कारण से हमको JEE ने यहाँ पर पानी देखने के लिए जितनी भी पंप लगाए गए हैं, जनरेटर लगाए गए हैं, इनको यहाँ देख रेख में लगाया गया। रात में हमारी ड्यूटी थी, रात में हम यहीं पर थे और हमको न जाने के लिए खाना का हमें जैसे तैसे परेशानी से इंतजाम करना पड़ रहा है, कहीं यहाँ व्यवस्था नहीं। जैसे जैसे ये लाइटें लगवाई गई आज तो इससे थोड़ा सा दिखाई देता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, 24 घंटे ये जो पानी की निकासी का काम है वो चल रहा है, अब कितना समय लगेगा कुछ अंदाज़ा आपको? अभी तो पानी आज रात भर चला है तो थोड़ा सा कम हुआ है। मेरा तो अंदाज ये है कम से कम अभी 10 दिन तो लग से पानी कम करने में, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि पानी आज जो है इतनी रात भर चले तभी 1-2 इंच पानी कम हुआ है। अच्छा, ये जो यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है ये पानी किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5-6 पाइप लगे हुए हैं। ये सीवर लाइन में जाके फिर जमुना जी में जाता है, क्योंकि हमारा जो ये इतना नीचे पानी भर गया है वो जो है हमारे पंपों के द्वारा बूस्टिंग करके ही निकाला जा सकता है, क्योंकि ये भर गया पानी इनके लिए तो सीवर में हमारे पंप चलेंगे तभी जो है जो जनरेटर और पंप के द्वारा निकाले जा रहे हैं तभी ये निकल पाएगा। क्योंकि ये जमुना जी में जो सीवर ये जुड़े हुए हैं। एक बार बताइए, इसमें जो बिजली है उसको तो काट ही दिया गया होगा अभी? बिजली वगैरह सारा हमारा सब स्टेशन डूबा हुआ है, लाइन कहीं जाने लाइन चलने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसीलिए तो हमारे ये जनरेटर वगैरह ये लगाए गए हैं और इसीलिए तो लगाए गए, बिजली कोई प्रबंध ही नहीं है। जब सब स्टेशन डूबे, 3 सब स्टेशन डूबे हुए, विजय घाट, शक्ति स्थल और राजघाट, 3 सब स्टेशन ऑलरेडी डूबे हुए। कितना समय लगेगा उन सबको पानी से निकालने? अब उनको तो अगर मान ले पानी निकल भी जाएगी तो 15 दिन और उन्हें ड्राई करने में लगेंगे, अगर 15 दिन में पानी निकल पाता है तो 15 दिन में सुखाने में लगेगा तब ये कब चालू हो पाए, मेरा मानना तो ये है। अब भाई हो जाए जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा तो मुझे मुश्किल है कि इसे जल्दी चल पाए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। साफ तौर पे क्योंकि यहाँ पे लगातार 24 घंटे कोशिश की जा रही है कि जो राजघाट की तरफ जो पार्क में पानी लगा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास किया जाए। कैमरामैन हरीश के साथ मैं अजीत, टोटल टीवी दिल्ली।